नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, वो काफ़ी लंबे समय से अब प्रदर्शन कर रही है और आज एक बार फिर से ये लोग प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। और इनकी 5 जो एम्प्लॉयज थे सस्पेंड हुए थे, उसके बाद ये शुरू हुआ था और अब रुक नहीं रहा। शायद मैनेजमेंट से इनकी बात जो है वो जो मांगे हैं वो मान नहीं रही। क्या दिक्कत है इनसे जानते हैं। अच्छा सर, पहले आप अपना नाम बताएंगे। बलवंत शास्त्री। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि 5 एम्प्लॉयज आपके सस्पेंड हुए थे, उसके बाद मैनेजमेंट से आपकी मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन निष्कर्ष क्यों नहीं निकल कर आ रहा। लगभग एक हफ्ता हो गया हमें सड़कों पर, जहाँ पहले ट्रस्ट मैनेजमेंट में ऑफिस में हमने इनसे प्रार्थना की हाथ जोड़ के कि हमारे जो 5 सदस्य आपने सस्पेंड किए हैं उनको बहाल कर दीजिए। जी, इन्होंने ना वो बात मानी। इन्होंने अपनी मीटिंग करके एक बात तय की कि हम जो है धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन को बुला के उनसे मीटिंग करेंगे। इन्होंने कॉल भी की, लेटर दिया है। जब इधर आए दूसरे दिन बात करने के लिए तो इधर कोई इनका सदस्य नहीं था। हम निराशजनक होकर हमें वापस जाना पड़ा। हमारी इनसे अभी भी यही प्रार्थना है कि आप हमारी मांगों को मांग लो, मान लो, क्योंकि पंडित वर्ग जाजे जो कर्मचारी है जे सड़कों में शोभा नहीं देते, अपने अपने काम पर भी शोभा देते हैं। मंदिरों में पुजारी वर्ग जहाँ जो भी सफाई कर्मचारी वगैरह अपने अपने क्षेत्र में ही इनकी जो शोभा है वो दिखती है, ये जो है सड़क में इनकी शोभा नहीं होती। लेकिन हमारी दूसरी प्रार्थना इनके साथ ये है कि हम चाहते हैं जो श्राइन बोर्ड के बराबर पे अपनी, तो अगर ये नहीं दे सकते तो ये इतना तो कर सकते हैं ना गवर्नर महोदय से। जो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी LGC से प्रार्थना करें या उनसे ये भी मांग रखें कि हमारे जो एक होता है ना जैसे शरीर पूरा जी, तो शरीर पूरा हो तभी तंदुरुस्त रहता है। हमारी जो गर्दन है, सर जो है, वो काट के श्राइन बोर्ड जो अलग बन गया। क्योंकि वो भी मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जब भी आपकी मीटिंग हुई, बात जो है उनकी तरफ से और आपकी तरफ से कहाँ परेशानी है, कौन सी बात पर अटक रहे हैं आप लोग। बात यह है कि वो बुलाते हैं मीटिंग, उनके साथ हमारी कोई नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन उन्होंने बुलाया था कि हमारे साथ आके कुछ जो 7 सदस्य आके वो हमारे साथ बात करें। जब वो 7 सदस्य इधर आए तो इधर देखा कोई मीटिंग की कोई तैयारी नहीं थी इनकी। जो सचिव मोदी हैं उनसे बात हुई, वो उन्होंने बताया, वो कल भी आपके सामने आया होगा कि उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने जो आपका लेटर है हमने ट्रस्टी सोल ट्रस्टी को सेंड कर दिया है, वो जो जवाब देंगे हम उसके अनुसार आगे जो कार्य करेंगे। सर आपका क्या नाम। संजीव शर्मा मेरा नाम है, मैं पुजारी हूँ मंदिर का। देखो इन्होंने लेटर भेजा था कि आप आके हमारे साथ बात कीजिए। सोमवार को हमारी यूनियन की तरफ से इनको लेटर गया कि सबसे पहले हमारे 5 कर्मियों को जो सस्पेंड हैं उनको बहाल कीजिए। सुबह लेटर भेजा और 2:30 बजे हम मिलने आए इनसे, आगे देखा तो सिर्फ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे। सेक्रेटरी साहब ने सिर्फ एक ही बात बोली कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और जो भी ऊपर से मैंने ईमेल कर दिया है ट्रस्टियों को वो हमें जो जवाब देंगे आपके। अगर आपके पास है कुछ नहीं तो जब आपने सस्पेंड किया तो साइन आपके थे, तब आपके ट्रस्टियों के साइन होने चाहिए थे, तब आपने साइन क्यों किए। और जब आप लेटर भेजते, मैंने हम ट्रस्टियों को भेज दिया, इन्फॉर्मेशन भेज दिया, तभी आप साइन करके भेज रहे, तब उन ट्रस्टियों के साइन क्यों नहीं होने चाहिए। जब आपके पास है इधर कुछ नहीं है, जब आप कर सकते नहीं कुछ ना, घर में जाइए आप, इधर बैठने को हक ही कोई नहीं है। सस्पेंड सेक्रेटरी ने किया आपको, जब उन्होंने लेटर निकाला था वहाँ पे सेक्रेटरी साहब के साइन है, तो आप बहाल भी आपको वही कर सकते हैं। बहाल देखो हमें कोई भी करे जाके, जब सस्पेंड करने वाले सेक्रेटरी साहब हैं तो बहाल करने वाले भी उनको हक होना चाहिए पूरा। तो उनके पास अगर हक ही नहीं है तो इधर क्यों बैठे हुए, घर में जाएं उधर बैठ के। खामखा में हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इधर से। जो हमारी मांगे हम मांगे मनवा के छोड़ेंगे, जो 5 बंदे हमारे सस्पेंड इनको हम बहाल करवा के छोड़ेंगे। बाकी अगर हमारी जो पी है वो श्राइन बोर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, अगर नहीं दे सकते तो ट्रस्ट छोड़ दें। नहीं, अभी आप एक नारा भी दे रहे हैं आप सभी लोग कि इसका श्राइन बोर्ड की तरह इसका भी एक बोर्ड बना दिया जाए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप। नहीं, उसका श्राइन बोर्ड बनने से कम हमारी जो डोगरा धरोहर है उसको बचाया तो जा सकेगा। आप देखें ना हमारे मंदिरों की क्या हालत है, हमारी तो हालत है ही है, हमारे मंदिरों की हालत देखो, जो हमारे राजा महाराजा बना के गए हैं वो, आज तो हमारी उनकी दशा ये है कि आने वाले 10 और 5-10 साल के बाद उनकी दशा बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये ना हो जाएगा 500 पाने टाइम दरवाजे डोगरा धरोहर, ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कहीं। हम चाहते हैं कि एक अलग बोर्ड बने और हमारे मंदिरों को देखे, और हमारे मुलाजिम जो आज बल्कि इतनी बुरी हालत में है, जो इतनी कम पे काम कर रहे हैं, एक बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं, उनको बाहर निकालें। नहीं तो हमारे
देखो ना, हमारे एक पंडित की भी डेथ हो चुकी है जिसका नाम रजिंदर शर्मा जी है, वो इसी के कारण हो चुकी है कि वो इतने परेशान थे कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। कब डेथ हुई उनकी? 25 सितंबर को उनकी डेथ हुई है। उसी कारण मैंने देखा था जब हम फर्स्ट टाइम इधर मिलने आए थे तो उनकी वो बिल्कुल इसे परेशान थे। मैं क्या बात है, कहता घर का खर्चा नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चा एक पता नहीं इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है, उसके कारण उनको हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी डेथ हो गई है। तो कब तक इस तरह से मुलाजिम मरते रहेंगे उसमें? हम ये बात तो आपने सारी क्लियर कर दी। एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब भी प्रदर्शन हुआ, पहले भी प्रदर्शन हुआ, क्योंकि एक नया मोड़ लेता हुआ भी दिखा कि इसके अंदर घोटाले हैं, करप्शन है और ना जाने क्या क्या हो रहा है, यहाँ की ज़मीनें जो हैं वो बेची जा रही हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 5 एम्प्लॉय सस्पेंड हुए थे, उसके ऊपर प्रदर्शन शुरू हुए थे, मोड कोई और नहीं लेता हुआ दिख रहा है? नहीं, हमें सिर्फ 5 कर्मचारियों के ऊपर प्रदर्शन जरूर शुरू हुआ था। हमारी मांगे थी 5 कर्मचारियों को भी बहाल किया जाए, साथ में हमारी जो पे स्केल जो है वो श्राइन बोर्ड के मुताबिक होना चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो ट्रस्ट छोड़ दे, वो श्राइन बोर्ड कोई और जब बोर्ड बनेगा वो घोटालों की भी जांच कर लेगा, वो सीबीआई जांच भी कर लेगा, ईडी भी पड़ जाएगी, सब कुछ जांच हो जाएगा। जो मंत्रियों के साथ 100-100 कनाल, 200-200 कनाल, 300-300 कनाल गहर हैं उनके, वो रिकवर हो जाएंगे सारे। अगर वो बेच दिए उन्होंने तो पैसा रिकवर हो जाएगा, उनको आता कैसे करना है? उनको वो बड़े बड़े जो मछलियाँ बैठी हैं दिल्ली में बैठी हैं, वो सारे उनको गला घोट के उनसे पैसा कर दिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने डोगरा कल्चर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया हुआ, इन्होंने डोगरों ने ही डोगरा कल्चर को तहस नहस किया। मैम आपका क्या नाम है? विवेक बंदराल। अच्छा, आपको भी, आप कब से काम कर रहे हैं इस ट्रस्ट को? 20 साल हो गए यहाँ पे। तो ये जो घोटालों की बार बार चर्चा हो रही है, जमीनें बेचने की चर्चा हो रही है, ये कितना ये सच्चाई है इसमें? सर ये तो बिल्कुल सच्चाई है, ये आज की नहीं है, ये 20 साल जब हम इधर अपॉइंटमेंट हुई तब भी यही घोटाले चल रहे थे, मगर यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं बोलता था। अच्छा। जो भी बोलता था उसको टर्मिनेट कर देते थे। जैसे हमारे 2 एम्प्लाइज हैं, उनको वो भी यही, उन्होंने यूनियन बनाई, उनको टर्मिनेट कर दिया, और हमने यूनियन बनाई तो हम जो हमारी एक्टिव मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया। सर आप खुद बताओ, क्या रोटी नहीं मांगनी? रोटी मांगना हमारा फ़र्ज नहीं है? अगर हमें पेट भर रोटी नहीं मिलेगी तो हम किसके आगे गुहार लगाएंगे? तो हमने गुहार लगाई तो इन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। मेन मुद्दा था हमारा पे का, हमने पे के लिए आवाज़ उठाई और इन्होंने हमें, हमारे 5 एम्प्लॉय सस्पेंड कर दिए, और ये जो इन्होंने हमें सस्पेंड किया, अभी जिन्होंने सेक्रेटरी साहब ने हमें सस्पेंड किया है, हमारे जो एम्प्लॉय थे वो उनके पास गए, इन्होंने कहा कि हमारी जो एम्प्लॉय सस्पेंड किए हैं उनको बहाल करो, उन्होंने बोला मैंने मेल कर दी है ट्रस्टियों के नाम, मगर ये खुद कुछ नहीं कर सकते, ये कठपुतलियां बैठी हुई हैं, इन्होंने कठपुतलियां, ट्रस्टियों ने कठपुतलियां बिठाई हुई हैं, वो जैसे कमान चलाते हैं ऐसे जे हम पे कमान चलाते हैं, ये हम जे कोई 1947 नहीं है कि वो जो अंग्रेज अत्याचारी करते थे और हम बर्दाश्त करेंगे, हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वो पाप का गड़ा भर गया है और वो फटने वाला है और इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि सच्चाई में घोटाला जितना रोष और ये दिख रहा है तो घोटाले हैं। अच्छा, ये घोटालों के बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि घोटाले बार बार आ रहे हैं, इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें। पहले तो मैं स्टेट समाचार का बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप हमारे गरीब मुलाजमों की आवाज़ जो उठाने के लिए जहाँ आ जाते हैं और हमारी आवाज़ जो उसको आप बुलंद करते हैं जी। सर जहाँ 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि आए दिन घोटाले ही जहाँ दिखते हैं। आप 30 साल से काम कर रहे हैं जी? जैसे कर्ण मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जैसे रणवीर यात्री भवन दिया है वो भी एक उसका घोटाला है। रणवीर यात्री भवन अपनी जगह पे है, उसको क्या किया गया, घोटाला कैसे? कॉन्ट्रैक्टर पे दिया हुआ है, उसका 1,24,000 रुपया किराया तय हुआ था और 2006 में उसका किराया 55,000 रुपया हो गया, तो सीधा सीधा घोटाला है वो। उसका लाखों करोड़ों रुपये उसका जो रेंट बनता था, अब वो कहाँ गया, ट्रस्ट में क्यों जमा नहीं हुआ, तो ये तो घोटाले ही दिखता है कि घोटाला है, बीच में से पैसा खा लिया गया है और उसका किराया कम कर दिया गया है। अब आप सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ की बहाली चाहते हैं या फिर इन घोटालों की भी सीबीआई जांच चाहते हैं? देखिए सर, हमने जो मेमोरेंडम दिया था इनको, हमने मेमोरेंडम दिया था कि हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम है, तो हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो वैष्णो देवी के बराबर होनी चाहिए, श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी के बराबर हमारी सैलरी होनी चाहिए। जब हमने वो मेमोरेंडम दिया, उसके बाद हमने अपने मुलाजमों की एक मीटिंग की, जनरल बॉडी मीटिंग, उस जनरल बॉडी मीटिंग में कुछ मीडिया बंधु आ गए थे, तो उन्होंने मीडिया बंधु उनके सामने कुछ हमारे लोगों ने कुछ बयानबाजी की होगी तो उनको वो अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने हमारे 5 बंदों को सस्पेंड कर दिया। अब पहली मांग तो हमारी यही आ गई कि 5 बंदे जो हमारे सस्पेंड किए हैं
उनको बहाल किया जाए, और जो जो हमारी वेतन है, जो हमारी सैलरी है, उसको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बराबर किया जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेहरबानी करके आप ही खुद सीबीआई की इंक्वायरी करवाएं कि हमारे ट्रस्ट में जो घोटाले हुए हैं, मुलाजिम बोल रहे हैं, तो उनकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। हम क्यों बोले? ट्रस्ट के जो जहां बैठे हुए हैं रखरखाव के लिए, वो कह दें सीबीआई को, वो गवर्नर साहब मोदी को बोलें कि हमारे ट्रस्ट की सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए कि जो हमारे घोटाले हैं वो कैसे हो गए। मतलब दाल में कुछ काला है भाई साहब? दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। यहाँ जो मैनेजमेंट बैठती है वो ट्रस्टियों की, चेयरमैन ट्रस्टियों की कठपुतली बन के बैठती है। वो कहते हैं हमारे हाथ में पावर नहीं है। मैं कहता हूँ जो महाराजा साहब ने जब ट्रस्ट बनाया था, आइन लिखा था, उस आइन में पढ़े। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से ये ढूंढ के लाते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को। आइन पढ़े, उसमें क्या लिखा गया, सेक्रेटरी की क्या पावर है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, काउंसिल की क्या पावर है, ये पढ़ के क्यों नहीं आते हैं यहाँ? कहाँ से ढूंढ के लाया जाता है इन लोगों को, और मुलाजमों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारे हाथ में पावर नहीं है। पावर नहीं है तो भाई अपने अपने घर में जाओ, घर में बैठो, क्यों लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो, जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? और मैं जम्मू के जो हमारे धार्मिक संगठन है, सनातन धर्म सभा है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये सारे लोग छोटी सी बात होती है तो झंडे लेके निकल जाते हैं बाहर। आज ये हो गया, आज ये हो गया। आज हमारे धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारी 8-9 दिन से सड़कों पे शंख बजा रहे हैं। किसी सनातनी आदमी ने पूछा नहीं कि भाई मंदिरों में शंख बजता है, रोड पे शंख क्यों बज रहा है? हमें बड़ा रोष है इन धार्मिक लोगों के ऊपर भी। जरा सामने आए, ट्रस्ट से बात करें, या अपनी मीडिया बंधुओं के आगे अपनी आवाज़ रखें कि इस ट्रस्ट में घोटाले हुए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये भी कह सकते हैं, सनातन धर्म सभा भी कह सकती है, विश्व हिंदू परिषद भी कह सकता है, बजरंग दल भी कह सकता है। हमें तो शक लगता है कि इन्होंने भी कोई ट्रस्ट से पैसा खाया हुआ है, तभी ये आगे बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं अंत में आपसे चाहूँगा कि आप एक बार बता दें कि मांगें क्या हैं, और अगर पूरी नहीं की गई तो फिर क्या होगा? देखो, हमने सभी आपको बता रहे हैं, मांग हमारी जो शुरू एक से ही हुई है कि श्राइन बोर्ड के बराबर पे दिए जाए। हमने वो आवाज़ उठाई तो उन्होंने जो बोलने वाले थे 5 उनको ही उठा लिया। अब भी हमारी यही मांग है कि हमारी जो पे है वो श्राइन बोर्ड के बराबर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने खुद मुद्दा बनाया है, 5 लोग जो हमारे सस्पेंड किए हुए हैं उनको बहाल करें। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम ये कहेंगे अंत में कि ये बात तो 5 एम्प्लॉयज को सस्पेंड करने से शुरू हुई थी और उनकी बहाली के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अब ये मुद्दा जो है बढ़ता बढ़ता करप्शन की तरफ चला गया है। इसमें ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि ट्रस्ट के अंदर घोटाले हो रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच हो। हम कह रहे हैं, क्यों ट्रस्टी नहीं कह रहे? वो भी ये कह सकते हैं कि वो सीबीआई जांच करवाएं, और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो श्राइन बोर्ड की तरह इसे भी श्राइन बोर्ड बना दिया जाए या बोर्ड बना दिया जाए। बाकी आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। नमस्कार।